देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज, सत्य का प्रतीक द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। एक और नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में बवाल है, वहीं बिहार के जनता दल यूनाइटेड में भी बवाल थमता नहीं दिख रहा। गुलाम रसूल बलियावी जो जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरा हैं, उन्होंने स्पष्टतया पत्र लिखकर नीतीश कुमार को धमका दिया है और साथ ही साथ जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर जनता दल यूनाइटेड में गए उन लोगों ने भी विरोध प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, प्रशांत किशोर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में पार्टी के जाने से विरोध जताया है। उनका भी मानना है कि हम जनता दल यूनाइटेड के लोग मुस्लिम के मत को प्राप्त करके, उनके मत को प्राप्त करके सरकार में आए हैं और हम उनके ही विरोध खड़े हो रहे हैं। यह जनता दल यूनाइटेड के लिए भारी नुकसानदायक स्थिति रहेगी। जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार प्रशांत किशोर पर हमलावर दिखते नजर आ रहे हैं। नीरज कुमार हमला कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर, पार्टी के अंदर ही कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उन विरोध करने वाले पर हमला कर रहे हैं। कुछ लोग यह कहते दिख रहे हैं कि नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करना जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ा भूल है। मैं बताता चलूं आपको कि लोकसभा और राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के सांसदों ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया और बिल पास हुआ। इस बात को लेकर जनता दल यूनाइटेड में फूट और टूट का माहौल तैयार हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार यह मानते हैं कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के अलावे इस दल में और किन्हीं लोगों का कोई वजूद और महत्व नहीं है। प्रशांत किशोर विरोध में खड़े हैं, नीरज कुमार उन पर हमलावर हैं, गुलाम रसूल बलियावी सहित अन्य मुस्लिम विधायक भी विरोध जता रहे हैं। सरकार नीतीश सरकार को कोई मतलब नहीं। अब नीतीश सरकार ने फरमान जारी किया है कि जो विधायक और पदाधिकारी सरकार के स्टैंड के खिलाफ जाएंगे उन सारे लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई की बात कह के उन बोलने वाले विधायकों, सांसदों और उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को डरवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि नागरिकता संशोधन बिल के पास होने के बाद देश के कोने कोने में हर जिले में, बिहार के भी पटना सहित अन्य जिला में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो चुका है। लोग इस बिल के विरोध में उठ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल सहित अन्य विरोधी विपक्षी पार्टियां विरोध में खड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। अब देखना यह है कि इस संशोधन नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने पर जनता दल यूनाइटेड को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के विषय में स्पष्ट प्रचार हो चुका है यह मुस्लिम विरोधी गतिविधि में शामिल होने वाली पार्टी है और इस पार्टी के अंदर के लोग भी विरोध कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप दल के अंदर में ही तेज है। पार्टी कार्रवाई करने की बात कर रही है, मामला बहुत गंभीर होता दिख रहा है। जो भी सामने समाचार आवेगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर देना भूलें। धन्यवाद।